फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। एज वी नो, वर्ब इज़ अ मेन पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। वर्ब्स दो टाइप की होती है, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। और अगर हम वर्ब्स को जानना चाहें तो वर्ब्स करती क्या हैं, वर्ब्स कैसे पता चलती है कि ये वर्ब है। वर्ब एक्शन शो करती है किसी भी सेंटेंस का या किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर स्टेट ऑफ बींग, यानी कि सब्जेक्ट जो है उसका स्टेट क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्शन वर्ब्स क्या क्या होती है। एक्शन वर्ब्स जो है, जैसे ही रन, ही ईट, आई प्ले, आई स्लीप, ऐसे कोई भी जो वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट का एक्शन पता चलता है, वो एक्शन वर्ब है। और सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट या स्टेट ऑफ सब्जेक्ट कैसे पता चलता है, सी फील्स हैप्पी टूडे। यहाँ पे फील्स जो है वो स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बता रहा है, इसमें जो फील्स वर्ब है स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बता रहा है, आई एम ए गर्ल, ही इज़ अ बॉय। ओके, तो दिस काइंड ऑफ वर्ब्स इस, जैसे ही इज़ अ बॉय में इज़, आई एम ए गर्ल में एम, ये क्या है, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट है, स्टेट ऑफ बींग है। फिर है मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि वर्ब्स दो टाइप की है, मेन एंड ऑक्सिलरी। तो मेन वर्ब जो होती हैं वो एक्शन बताती हैं किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, जैसे सन शाइन्स, ही रीड्स, सीता ईट्स, बस स्टॉप्स। ओके, आई वॉक डेली, ही स्टैंड्स नियर मी। ओके, तो इस तरीके से ये सारी क्या एक्शन बता रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, वर्ब जो है या कोई भी सब्जेक्ट जो है क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो मेन वर्ब होती है। दूसरे साइड पे अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है किसी भी मेन वर्ब को और ज़्यादा डिफाइन कर देती है, उसके मीनिंग को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती है कि वो एक्शन जो है पास्ट में परफॉर्म हुआ है, प्रेजेंट में परफॉर्म हुआ है, या फ्यूचर में परफॉर्म होने वाला है। ओके, और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है अकेले उनका कोई मतलब नहीं होता, वो मेन वर्ब उनको चाहिए ही चाहिए, दे मस्ट रिक्वायर द मेन वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल है डू, हैज़, इज़, डिड। ओके, और उसी में कुछ ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स भी आती है, जैसे विल, शैल, मे, कैन, कुड, माइट, मस्ट। ओके, सो इस टाइप के वर्ब्स हम देखते हैं। जैसे अब इसमें हमने लगाया बस में, तो बस में का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके आगे एक स्टॉप नाम की मेन वर्ब लगेगी तो इसका फुल मीनिंग आएगा बस में स्टॉप, बस को रुकना चाहिए। राम विल क्या करेगा, राम इसमें क्वेश्चन जो है आंसर नहीं दे रहा कि राम क्या एक्शन करने वाला है, तो राम विल गो, तो गो वर्ब जो है इसमें एक्शन है। तो मेन वर्ब इसमें गो है और विल जो है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है। दे मस्ट रीड, तो मस्ट इज़ अ ऑक्सिलरी वर्ब एंड रीड इज़ अ मेन वर्ब, ओनली दे मस्ट डजंट मेक एनी सेंस। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम क्या है छोटे छोटे जो वीडियोस के थ्रू वर्ब्स और मॉडल्स सारे जो ग्रामर टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, मस्ट वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ आवर चैनल। थैंक यू, बाय।